हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर टिसनेट। तो अभी तक आपने सारे मेरे वीडियो नहीं देखे हो तो ज़रूर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। तो ये हमारा पार्ट 8 है टेस्ट योरसेल्फ का। तो आज कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 7 में मैंने क्या बताया था आपको, इडियम एंड फ्रेजेस का जो सेंटेंस वाला था, जो बोल्ड कर कर मैंने लाइन बनाई थी, जो कभी कभार बोल्ड करके सेंटेंस में बता देते हैं कि इसका मीनिंग बताओ। आज मीनिंग को ही उठा देते हैं इडियम्स के। तो आज पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि कमेंट में मैं आंसर को करेक्ट मानता हूं, और हार्ट साइन वाला सभी आपके करेक्ट आंसर रहते हैं, तो सभी कोई का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखना, ये क्वेश्चन काफी सिमिलर रहते हैं, सारे ऑप्शन एक ही जैसे लगते हैं कि हाँ सारे ही करेक्ट है, लेकिन उनमें से कौन अच्छा है, और जब अच्छे से 2-3 बार समझोगे या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। तो आज थोड़ा थोड़ा मॉडरेट या हाई लेवल बोलो, थोड़ा क्वेश्चन है तो आपको सब कुछ करना होगा अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्नैक इन द ग्रास। तो ये स्नैक इन द ग्रास का 4 ऑप्शन है, ये हिडन इनिमी, अनफोर्सिन हैपनिंग, वेरी फ्रिशियस एनिमी, या डी अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। तो सेकंड देखेंगे, टू लुक डाउन वंस नोज नोज ये एट, टू लुक डाउन वंस नोज एट, टू शो एंगर, टू बैक बाइट, टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, सी ऑप्शन, डी टू रिगार्ड विथ हाफ हिडन डिसप्लेजर और कॉन्टेम्प्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस में भी आता है, और उनका मन करे तो ऐसा भी बना सकते हैं। तो पहला पार्ट में, जो 7th पार्ट में मैंने समझा दिया था सेंटेंस वाले, और इसमें आपको डायरेक्ट मीनिंग वाले बता दिया हूँ। तो और 2 क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, टू फ्लॉग, FLOG फ्लॉग ए डेड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का क्या होगा, ए टू ट्राई टू अचीव ए इम्पॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, बी टू एक्ट इन ए फुलिश वे, सी टू रिवाइव द इंटरेस्ट इन द इन ए सब्जेक्ट विच इज आउट ऑफ डेट, विच इज आउट ऑफ डेट। तो 3 ही ऑप्शन है ए बी सी, तो आपको इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है आपको कमेंट में बताना है। 4th क्वेश्चन, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो ऑप्शन ए टू डिसलोकेट, ऑप्शन बी टू इन टू बी इनडिफरेंट, ऑप्शन सी टू लूज वंस टेम्पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है टीच में, और बहुत, और आपको ये सब सॉल्व करना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे इंग्लिश के सारे कुछ सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेस्ट योर सेल्फ के रहेंगे, तो आप जरूर सॉल्व करना। तो ओके फ्रेंड्स, इतना ही आज के लिए, थैंक यू।